सुमन नीटिंग क्रिएशन में आप सबका स्वागत है तो आओ चले देखें तो मैंने एक करोशे की फ्रॉक बनाई तो जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ आधा तो अब मैं इसका फाइनल टच दिखाने वाली हूँ आप लोगों को और इसमें फिर मैं एक हेयर बैंड भी बनाना सिखाऊंगी तो मैंने किस तरीके से बनाई ये तो मैंने फर्स्ट भाग में बता दिया वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ अब इसकी देखो मैंने बाजू इस तरीके से बनाई है यहाँ तक तो जो ऊपर से बुन के आया साथ में आया यहाँ से मैंने इस तरीके का डिज़ाइन डाल दिया था तो ज़्यादा कुछ नहीं इसमें मतलब प्लेन बनाया और नीचे मैंने ये किनारी बना दी थी तो जो ये मैंने छोटे छोटे फ्लावर बनाए तो ये मैं गले में बना रही हूँ तो वहाँ मैं आपको सिखाती हूँ वैसे मैंने कई वीडियो में डाल रखा है कि किस तरीके से ये फूल ये जो मैंने ये बना रखा है लेस तो किस तरीके से बनती है तो ये एक साल के बच्चे के लिए है इसका मैंने यहाँ पे फ्रिल डाला है ये भी मैं फर्स्ट भाग में बता चुकी हूँ अब इसमें मैंने फूल बना रखा है एक एक मुझे और बनाना है तो इसको मैं अभी सिखाती हूँ आप लोगों को और इसकी लंबाई देखो मैंने इतनी बना ली इसके नीचे फैनल इस तरीके से बनाया तो ये थोड़ा सा रह गया मैंने बचाया कि इस आप लोगों को दिखा सकूं कि किस तरीके से बनाना है यहाँ तक मैं बना के लेके आई हूँ अब मैं आगे बताती हूँ यहाँ से कि कैसे बनाना है तो यहाँ से आगे दिखाती हूँ मैं कि किस तरीके से मैंने लेस बनाई है ये, ये लास्ट में बाकी ऊपर से मैंने ये बता ही रखा है आपको कि किस तरीके से बनाया तो यहाँ पर मैं लास्ट में एक चेन ले लेंगे पहले उसके बाद मैं सीधा इस वाले फूल में ले लूँगी दो तीन डबल क्रोशिया बना ले अरे चार डबल क्रोशिया बनाए इसके बाद मैं तीन चेन ले लूँगी एक दो तीन तीन चेन के बाद मैं इस तरीके से इसके ऊपर वाली लुपी उठा के ऐसे बांध दूँगी फिर यहाँ पे मैं तीन चेन और ले लूँगी एक दो तीन फिर मैं यहाँ पे एक चेन ले लूँगी कि थोड़ा सा ये खुला सा लगे इसलिए यहाँ पे चेन ले रही हूँ तो जब मैंने नीचे बनाया था तब मैंने बीच में कोई चेन नहीं ली थी फिर मैं अगले फूल में बनाऊँगी दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, फिर तीन चेन एक दो तीन तीन चेन लेके फिर इसके ऊपर वाले हिस्से की लुपी उठाऊंगी इस तरीके से सिलिप स्टिच करके फिर तीन डबल क्रोशिया और बना दूंगी एक दो अरे तीन तीन डबल क्रोशिया और बना ले अब मेरे पास ये दो फूल एक फूल और बचा हुआ है अभी मैं यहाँ पे एक चेन ले लूँगी फिर इस फूल में भी मैं इसी तरीके से बना लूँगी दो तीन चार एक दो तीन तीन चेन बना के ऊपर वाली लुप्पी में इस तरीके से लेके स्लिप स्टिच कर दूँगी फिर फंदा लेके तीन डबल क्रोशिया एक दो तीन डबल क्रोशिया फिर एक चेन अब मैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे फिनिश हो जाएगा अब जो मैंने चेन बनाई थी शुरू में यहाँ पे मैं इसको अटैच कर दूँगी इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया और इसको मैं थोड़ा आगे ले जाके एक फंदा आगे ले जाके स्लिप स्टिच कर दिया उसके बाद मैं क्रोशिया इधर से डाल के ऐसे क्रोशिया डाल के इसको पीछे ले आऊँगी खींच के तो ये पीछे को ले आई मैं खींच के और अब मैं यहाँ पे धागा कट कर दूँगी तो इस तरीके से मेरी ये लेस बन गई नीचे की लेस जो बनाई मैंने तो सुंदर लगती है तो थोड़ा सा इसका एक किनारा सा भी बन जाता है तो इस तरीके की लेस बनती है नीचे को बाकी यहाँ पर मैंने उस समय मैंने बनाया था लेकिन फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा खोला था तो मैंने दो लाइन इस तरीके से बनाई है कि यहाँ पे जो मैं जैसे ले रही हूँ यहाँ पे तो ये फंदा तो मैं इसी उठाए उठा के जो फंदा लेते हैं करोशे में उसके बाद मैंने तीन तीन डबल करोशे बनाए फिर मैंने चार चार डबल करोशे बनाए और लास्ट में मैंने पूरी ये लेस की तरह बना दिया तो ये ज़रा थोड़ा सा सुंदर दिखता है और बीच में डोरी डाल रखी है अभी मैं इसका फूल बनाना भी बताती हूँ तो ये तो मेरा फिनिश हो गया अब मैं यहाँ पे गले पे जो मैं छोटे छोटे फ्लावर बना रही हूँ जो मैंने बाजू में बनाए इस तरीके के ऐसे मैं ये गले में बना के यहाँ से मैं पहले मैंने एक आउटलाइन बना ली थी थोड़ा जल्दी में है इसलिए मैंने पूरी वीडियो नहीं दिखा पाई तो पहले मैंने एक आउटलाइन बनाई थी जैसे मैंने आउटलाइन यहाँ पे बना रखी है तो ये जो मैंने जब जब सबसे पहले जब मैंने फंदे डाले थे तो ये मैंने पचास चेन डाली थी तो पचास में मैंने डबल डबल उठाई थी तो अब मेरी सौ हुई थी जब मैंने कॉलर बनाया था अब जो मैंने शुरू के पचास चेन जो डाली थी अब इसमें मैंने सिर्फ पचास ही फंदे उठाए हैं हर चेन के अंदर जो मेरी ये चेन बनी है हर चेन के अंदर मैंने एक एक उठाया तो मेरे पचास हुए क्योंकि गला बड़ा हो जाएगा तो इसलिए मैंने छोटा करने के लिए पचास उठाए फिर मैंने एक लाइन ये बना के फिर यहाँ से मैं फ्लावर बना के ले आई हूँ तो यहाँ पे मैंने साथ में लिपी भी बना ली है तो यहाँ पे मैंने जैसे एक लिपी यहाँ पे बना रखी है तो एक बटन यहाँ पे लगा दूँगी एक लुपी यहाँ पे बना रखी है और एक यहाँ पे बना रखी है नीचे को नहीं लगाऊँगी तीन बटन लगाऊँगी तो मैंने इस तरीके के, के फ्लावर बना रखे हैं तो ये मैंने शुरू कर रखा है तो मैं इसको दिखा देती हूँ फिर मैं ये सब एक साथ बना लिए मैंने फिर मैंने यहाँ पर दो चेन ले ली मैंने दो चेन के बाद हमने फिर एक फंदा यहाँ से उठाना है इस तरीके से दो हो गए मेरे पास तीन हो गए चार पाँच सात सात फंदे उठा लिए मैंने अब इन सात का मैं पहले एक बना दूंगी तो इस तरीके से मैंने एक बना दिया फिर एक एक दो दो चेन बना ली मैंने फिर मैंने ये किनारे का फंदा उठाया इस तरीके से उठा लिया दो हो गए तीन हो गए चार पाँच छ सात सात हो गए अब इन सब का मैं एक बना दूंगी इन सबका एक बना दिया फिर एक बारी ये बुन लिया फिर एक दो दो चेन ले ली फिर हमने ऐसे ही ये फंदा उठाते रहना है तब हमारे छोटे छोटे से फूल बन जाते हैं यहाँ पे अरे लेस का काम भी करता है चार हो गए पाँच सात सात बना लिए फिर हमने फूल बना लिया एक दो दो चेन उसके बाद फिर बना देना तो देखो गला छोटे बच्चे का है एक साल के बच्चे का है तो इतना गला बहुत होता है तो यहाँ पे हमने बटन लगा देना और ऐसे भी क्रोशिया क्या है तो लूज है तो ये मैंने ये तो मैंने पहले फर्स्ट भाग में दिखा रखा है कि मैंने एक कॉलर कैसे बनाया तो कॉलर तो मैंने साथ में ही बना दिया था अब इसी तरीके से मैं पहले इसका पूरे फुल बना लूँगी तो इस तरीके से मैंने ये पूरा कर लिया देखो ये मेरा पूरा हो गया अब इसको मैं सुई से इस तरीके से ऊपर नीचे चढ़ा के थोड़ा सा बंद कर लूँगी अब यहाँ पे मैं बटन लगा लूँगी अब मैं सबसे पहले आपको इस तरीके का फूल बनाना सिखाती हूँ तब तो किस तरीके से बनाया मैंने ये फूल तो एक मैं बना चुकी हूँ और ये दूसरा मैं फूल बना रही हूँ तो ऐसे में डबल ले लूँगी धागा करके धागा मैंने डबल ले लिया इस तरीके से अभी मैं पहले मैजिक रिंग बना ली मैंने देखो मैं एक दो तीन चेन बना लिए अब मैं इसको छः बारी ऐसे ही लूँगी बिना बुने हुए तो एक बारी हो गया दो तीन चार पांच बारी हो गया छः बारी हो गया अब मैं इन सब का एक बना दूँगी लास्ट में मैं एक छोड़ूँगी इस तरीके से फिर मैं एक चेन ले लूँगी एक चेन ले लिया फिर फंदा ले लिया फिर छः बारी घुमाऊँगी एक बारी घूम गया दो तीन चार पाँच छः, छः बारी घुमा लिया अभी इन सबका मैं एक फूल बना दूँगी लास्ट में एक इधर का छोड़ूंगी एक एक-एक। फिर एक चेन ले ली उन सबका एक बना के एक चेन ले ली फिर फिर ऐसे मैं पांच बारी बनाऊँगी ऐसे तभी दो बारी हो गया मेरा एक दो तीन बारी चार पाँच छ छः फंदे लपेटे हैं फिर इस तरीके से इन सब का एक फिर इन दो का एक फिर एक चेन एक दो तीन चार पाँच और एक छः छः फूल बना लिए, छः बारी लपेट लिया सॉरी फिर इस तरीके से फिर एक चेन और अभी मेरे चार हो गया एक बारी और बनाना है मुझे एक दो तीन चार पाँच छः इन सब का पहले एक बना दूंगी फिर लास्ट में एक बज जाता दो बज जाते हैं फिर एक चेन बनाऊंगी अब मैंने क्या पांच बारी बन गया मेरा अब मुझे धीरे धीरे करके ये धागा खिसकाना है लेकिन पहले मैंने ये डोरी बीच में लानी है इसकी तो इस तरीके से मैं पहले डोरी बीच में यहाँ ले आऊँगी और जब जाके फिर मैं इस धागे को कस के खींच लूँगी फिर मैं इसको बाँध दूँगी तो जो मैंने गोला बनाया था गोला का जो धागा रह गया था उसको ये देखो इस तरीके से मैंने खींच लिया अभी टाइट हो गया फिर बांध बाद में बांधूंगी मैं इसे अब मैं इसमें यहाँ पे पहले मैं स्लीप स्टिच कर दूँगी एक बारी तो जो मैंने पहले शुरू में बनाया उसके ऊपर लाके इस तरीके से सिलिप स्टिच कर दिया मैंने ऐसे एक चेन ले ली मैंने अब इसको मुझे सही से करना है पहले पहले मुझे ये ऐसे ताकि मेरा फूल इस तरीके के ये नीचे को फूल बने अब इसमें मैं देखो एक दो दो बारी मैंने ले लिया तीन चार चार बारी लिया अब मैं इसको फिर ऐसे दो चेन छोड़ के स्लिप स्टिच कर लिया मैंने फिर मैं इसी में तीन बारी और लूँगी डबल क्रोशिया बना दिया एक दो तीन तीन बारी लिया अब मैं इसके ऊपर फिर इसको इस तरीके से लाके दो कोने दो वो पकड़ के तार पकड़ के इस तरीके का स्लिप स्टिच कर दिया तो एक बारी अभी और बनाऊंगी मैं इसी जाली में डबल क्रोशिया बनाया तीन बनाए फिर यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच करा अब मुझे अगली वाली में बनाना है अब जो मेरा ये दूसरा फूल था तो दूसरे फूल का जो ऊपर वाला कोना है मेरा इसमें क्रोशे डाल के डबल क्रोशे बनाया सॉरी एक दो तीन तीन बना के तो आप दो भी बना सकते हो मैं तीन बारी बना रही हूँ एक जाली में मैं तीन बारी बना रही हूँ एक होल में से तो आप दो बारी भी बना सकते हो तो उससे फूल अंदर कसा कसा सा रहेगा और ये मेरा थोड़ा सा खिल रहा है फूल बाहर को खुला खुला सा हो रहा है तो यहाँ ऊपर स्लिप स्टिच जरूर करनी है दो बारी हो गया तीन बारी एक दो तीन फिर तीन चेन ले लिया फिर इसको हमने स्लिप स्टिच कर लिया अभी तीन बारी हो गया इसमें भी तो पांच फूल पे हमने पांच बारी बनाना है तो अब ये क्या है ना थोड़ा कसा हुआ होता है तो इसलिए थोड़ा सा उसका ये इस तरीके से दिखता नहीं है पर ये देखो इस तरीके से ढूंढना पड़ेगा हमें ये वाला एक सॉरी एक दो तीन फिर यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करना है इस तरीके से मेरा फूल बन गया देखो अब यहाँ लास्ट में मैंने स्लिप स्टिच कर दिया तो सबके किनारे से मैं बना के लिया ही। देखो कितना प्यारा सा फूल बना अब मैं इसकी फिनिशिंग कर दूंगी अब ये स्वेटर तो मेरा तैयार हो गया फ्रॉक तो मेरी तैयार हो गई है अब मैं इसमें पहले एक हेयर बैंड बना लेती हूँ फिर बताऊंगी कि किस कितने ऊन में ये तैयार हो गया वैसे तो ये पतली ऊन है तो ये बेबी ऊली है अरे इसलिए मैंने यहाँ पे देखो फ्रिल डाली तो फ्रिल से ज़्यादा गेटअप आ गया और नीचे मैंने प्लेन बनाया और नीचे एक लेस बना दी तो मैं पहले इसकी फिनिशिंग कर लेती हूँ फिर आपको हेयर बैंड बनाना भी बताती हूँ अभी तो इस तरीके से मैंने स्वेटर तैयार कर लिया ये मेरे पास थोड़े से प्रिंटेड बटन थे तो मैंने तीन बटन लगा लिए और यहाँ पे मैंने जो तीन डबल क्रोशा बना के दो चेन छोड़ी थी तो इस तरीके से मैंने ये यहाँ पे वाइट रिबन डाल दिया तो मेरे पास वाइट ही पड़ा था तो मैंने वाइट डाल दिया और यहाँ पे इसको बिल्कुल मैंने अटैच कर दिया ताकि यहाँ से निकल ना सके पहले मैंने यहाँ साइडों में सिल दिया और फिर मैंने ऊपर से एक टाँका लगा लिया इसमें तो स्वेटर मेरा ये फ्रॉक मेरी तैयार हो गई है अब मैं हेयर बनाने जा रही हूँ तो अब आके देखें हेयरबैंड किस तरीके से बनाना है तो स्वेटर तो ये तैयार हो गया तो हम पहले एक छोटा सा ऐसा हेयर बैंड रखा हुआ है मैंने ये रबड़ तो इसको लगाऊंगी मैं इस पर तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेन बना लेंगे तो पहले हम यहाँ पे नौ दस चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस चेन बना ली अब मैं इसको इसके साथ अटैच करती हुई जाऊँगी तो देखो किस तरीके से करना है मैंने इसको मैंने बीच में ले लिया और जितनी भी चेन बनाई है मैंने इस तरीके से मैं इसके साथ इसको जोड़ते हुए लाऊंगी ऐसे तो आराम से आगे करके भी आप ऐसे बना सकते हो ताकि ये मेरा पक्का काम रहे इसलिए मैंने पहले चेन बनाई नहीं तो हम सीधा वैसे भी बना सकते हैं लेकिन वो क्या है वो इकट्ठा हो जाता है तो इस तरीके का देखो बुनने में भी अच्छा लग रहा है ऐसे हर चावल के जितने भी चेन बनाई मैंने हर चेन के ऊपर मैं सिंगल क्रोशिया बना के लाऊंगी मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया इसको मैं सबसे लास्ट में करूंगी जब मैं वापस आऊंगी तो अभी देखो मैं क्या करूँगी एक लाइन तो मैं पहले डबल क्रोशिया बना दूंगी इस तरीके से जो भी मैंने क्रोशिया बनाया था सिंगल क्रोशिया उसके ऊपर मैं डबल क्रोशिया बना के ला रही हूँ ये मैंने डबल क्रोशे बना दिया अभी लास्ट में भी एक जो हमने तीन चेन बनाई थी उसमें भी हम डबल क्रोशे बना देंगे अब इसके ऊपर हमने आसान सा डिजाइन डालना देखो एक दो तो, तीन तीन चेन बना ली अब इसी में से मैं तीन बारी बना दूंगी तीन डबल क्रोशे बना दूंगी तीन डबल क्रोशिया बना दिया एक छोड़ के मैं दूसरे में बनाऊंगी, फिर तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन चेन नहीं लेनी हमने कोई भी चेन नहीं लेनी है फिर एक छोड़ के दूसरे में हम डबल क्रोशिया बना देंगे तीन डबल क्रोशिया बना देंगे तो पांच बारी बन गया और लास्ट में, में एक सिंगल सिंगल बनाया अब मैंने यहाँ पे शुरू में तीन डबल क्रोशिया बनाए तो लास्ट में मेरा एक डबल क्रोशिया आएगा अब इसी को मैं तीन चेन बना के अब इसी के अंदर मैं तीन डबल क्रोशिया बनाऊँगी वापस आते हुए अभी तीन तो है ही मेरे पास उसके बाद मैं इस वाली जाली में हम तीन डबल क्रोशिया बना देंगे बस ऐसे ही बनाते जाना ज़्यादा कुछ नहीं करना है और बाद में हम एक फूल बना देंगे तो ये ज़्यादा चौड़ा सा लग रहा है एक साल के बच्चे के लिए तो हम इसको खोल के थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं ये दस जैसे मैंने दस चेन डाली तो थोड़ा कम चेन डाल के आप बना सकते हो तो आपको इतना ही बनाना है तो देखो एक दो तीन और यहाँ पे चार तो इस हिसाब से हमें बनाना पड़ेगा तो मैं थोड़ा इसे खोल लेती हूँ पर बनाना मुझे ऐसे ही है इस तरीके का तो मैंने खोल लिया तो मैंने सिर्फ आठ चेन बनाए देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ बनाई किनारे में मैंने तीन डबल क्रोशिया बना दिए फिर ये बीच का छोड़ के इसमें ले लिया फिर बीच का छोड़ के इसमें लिया क्योंकि छोटा बच्चा है तो बहुत चौड़ा हो जाएगा तो बड़े बच्चे के लिए बनाओ तो काफ़ी बड़ा मतलब चौड़ा बना सकते हो लेकिन ये बहुत एक साल का बच्चा है तो उसके लिए तो ये मेरे किनारे में देखो एक सी तीन डबल क्रोशिया आ गए और यहाँ लास्ट में भी फिर मेरे तीन डबल क्रोशिया आ जाएंगे तो ये मेरा डिजाइन इस तरीके के दोनों तरफ ये किनारी सी बन के भी आ जाएगा अब एक दो तीन तीन डबल क्रोशिया बना लिया मैंने इसके बाद फिर मैं इसके अंदर दो डबल क्रोशिया और बना दूंगी तो ये मेरे तीन डबल क्रोशिया हो जाएंगे चेन में कोई नहीं ले रही हूँ बीच में अब मुझे बीच बीच में जो भी मेरे खाली जगह हैं तो इनमें मैं तीन तीन डबल क्रोशिया बना दूँगी तो ऐसी मैं बना लेती हूँ फिर जब मैं पूरा बन के आएगा तो इधर को फिर मेरा जुड़ेगा तो उसके साथ मैं इस चेन को एडजस्ट कर लूँगी तो इस तरीके से छोटे बच्चे के लिए हेयरबन बनेगा इसमें एक फ्लावर बनाऊँगी ऊपर तो वो मैं बाद में बताती हूँ तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ अब देखो लास्ट में फिर मेरा इस साइड भी तीन डबल क्रोशिया तीन डबल क्रोशिया आए हैं इधर भी मेरे तीन डबल क्रोशिया आ जाएंगे तो दो मैंने ये बना लिए और तीसरा मैं चेन के अंदर से बनाऊंगी तो चेन में से लेना जरूरी होता है इसलिए किनारी अच्छी सी बनती है फिर एक दो तीन तीन डबल क्रोशिया बना के किनारे का हमने छोड़ के इसमें बना देना है तो बस कोई डिजाइन नहीं है आप अपनी मर्जी से डिजाइन भी बना सकते हो भाई ये तरीका है कि इस तरीके से भी बन जाता है तो मैंने अपना तरीका आपको बताया आप अपने तरीके से क्रोशिया कर लीजिए तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ फिर जब जोड़ने की बारी आएगी और फूल बनाने की बारी आएगी फिर मैं आपको बताती हूँ ऊपर कि किस तरीके से मैंने फूल बनाना है एक दो तो, और तीसरा हमने चेन के अंदर से लेना है ये जो मैं तीन डबल क्रोशिया बना रही हूँ तीन चेन बना रही हूँ सॉरी तो इसके अंदर से हमने ये डबल क्रोशिया बना के लाना है तो इससे क्या होता है हमारी किनारी गेट ऑफ आ जाती है फिर हम एक आउटलाइन बनाएंगे बाद में जब हमारा पूरा हो जाएगा तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आगे को तो इस तरीके से मैंने ये हेयर बैंड पूरा कर दिया अब मैंने यहाँ से शुरू करा था तो ये बना के लाई लाऊँ मैं इतना चौड़ा काफ़ी रहता है एक छोटे से बच्चे के लिए और यहाँ पे भी मैंने जैसे इस तरीके से उठाया तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही ये फंदे ऐसे बीच में ये रख के और तो रखकर से ये बंद कर दिया तो इतना मुझे खुला चाहिए होगा क्योंकि खींचने के लिए कि बच्चे के सर पे पूरा आ जाए लूज हो तो इस तरीके से यहाँ पर धागे से बांध सकते हैं तो मैं यहाँ पर धागे से वैसे बांध दूंगी यहाँ पर नीवी बंधेगा तो ठीक लगेगा लेकिन थोड़ा से धागे से यहाँ पे लिपेट दूंगी ताकि ये खिंच जाए और ये सफाई से दिखे अब इसमें मैंने एक फूल बना के रखा है तो ये फूल बनाना मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है तो इस तरीके से ये फूल बना हुआ है ये मैंने पहले साठ चेनें डाली हैं साठ चेन के बाद मैंने सबसे पहले मैंने तीन चावल बनाए फिर दो चेन बनाए बीच में फिर यहाँ पे उसी चावल के साथ में एक और डबल क्रोशिया बनाया फिर एक चेन बनाया फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया फिर दो चेन बनाई फिर इसी छेद में फिर एक और डबल क्रोशिया बनाया फिर बीच में एक है चेन और बीच में दो दो हैं उसके बाद मैंने एक दो तीन चार पाँच छ सात सात बारी मैंने डबल क्रोशिया बनाए तो ये फूल बन जाएगा इससे तो ये मेरा लास्ट इधर आखिरी में है जो तो मैंने इतना धागा कट कर रखा है इसको सिलने के लिए तो पहले मैं सुई में धागा डाल लेती हूँ धागा मैंने पिरो दिया इसमें अब इसको मैं फूल बनाऊंगी तो मैं इसको थोड़ा सा लूज वैसे तो इस तरीके से बनता ही है पर मैं थोड़ा फैला हुआ फूल बनाना चाह रही हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा लूज इस इस हिसाब से रखूँगी देखो ऐसे थोड़ा सा ताकि नीचे भी मेरा गोलाई में अच्छे से आए यहाँ पे फिर ज़्यादा ऊंचा ना लगे तो इस तरीके से मैं देखो ये ऐसे फैला के ला रही हूँ तो आप इस तरीके से भी फैला के ले जा सकते हो इसको ऐसे हल्के हाथ से थोड़ा नीचे नीचे को ऐसे ताकि ये फूल हमारा फैला फैला सा लगे अब बड़ा सा भी दिखे तो मैंने साठ चेन का बनाया तो आप कम से भी बना सकते हो ज़्यादा से भी बना सकते हो जितना बड़ा फूल चाहिए आपको तो इस तरीके से देखो ऐसे फैला रही हूँ मैं इसके किनारी में तो ये काफ़ी बड़ा फूल दिखेगा फिर इस तरीके से अब मैंने जो सुई में धागा डाल रखा है इससे मैं पहले इसको पक्का कर दूंगी तो ये देखो ये फैला हुआ सा लग रहा है तो सबसे पहले मैं यहीं से धागे को पक्का करने के लिए ले ले जाती हूँ तो सबसे पहले मैंने यहाँ से ये पक्का करना शुरू करा है और हेयर ब्रेड जो मैंने बना रखा है जो ये बेल्ट बना रखी है इसमें मैं सबसे बाद में इसको अटैच करूँगी तो इस तरीके से मैं पहले इसे पक्का कर रही हूँ हल्के हाथ से ज़्यादा खींचना नहीं नहीं तो फूल हमारा सिमट जाएगा तो इसको इतना पक्का करना है हमने कि हमारी कोई पंखुड़ी खुले ना ज़्यादा कि पता चले बाद में कि लटकने लग गए तो पहले हम ऊपर ऊपर के हिस्से से कर रहे हैं देखो इस तरीके से सिल रहे हैं अब हम इसके अंदर की साइड से सिलेंगे ये जो हमने सबसे पहले फोल्ड करे हैं अब हम इनको सिलेंगे इस तरीके से लास्ट में फिर हम इस तरीके से सुई लेके आएंगे। और आपके पास मोती हो तो यहाँ पे एक मोती भी लगा सकते हो तो ऐसे भी हम सिलेंगे क्योंकि हमारी ये पंखुड़ियाँ जो हैं ये खुल ना जाए इसलिए हम हर पंखुड़ी के अंदर से ऐसे लेके और दूर दूर ऐसे टांके लगा लेंगे ऐसे ताकि पंखुड़ी हमारे बिखरे ना और मैं इसके लिए पहले एक मोती ढूंढ लूँगी और इसमें एक मोती भी लगा दूंगी ऐसे कुछ इस तरीके से दिखेगा फिर हम इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ सेंटर में हम इसको फिक्स कर देंगे तो हम सुई से सिल देंगे आपके पास ग्लूगन है तो आप उससे भी चिपका सकते हो लेकिन उससे क्या है जब धोगे तो उतर जाएगा तो ग्लूगन तो मेरे पास भी है लेकिन मैं सुई से ही इसे पक्का करूँगी तो पहले मैं इसको अच्छे से पक्का कर लेती हूँ फिर आगे दिखाते हूँ तो मेरे पास इस तरीके के मोती हैं छोटे छोटे तो मैंने तीन मोती डाल लिए इसमें ये आराम से आ जाते हैं धागे में और इस तरीके से मैं इसको ऐसे इसको एडजस्ट करूँगी इसके अंदर कि ताकि मेरा ये अच्छा सा दिखे इसको मैं फिर पक्का कर लूँगी हर मोती के अंदर से मैं बीच में से निकाल के इसको मैंने पक्का कर दिया तो देखो क्यूट सा लग रहा है अंदर को आपके पास जो भी मोती है आप कोई से भी मोती लगा सकते हो मेरे पास इस तरीके से पड़े हुए थे मोती तो मैंने ये लगा लिए तो अब मेरा ये पक्का काम हो जाएगा अभी बीच में मैंने मोती लगा लिया अब मैंने क्या करना है देखो यहाँ मैंने इसको अटैच कर लिया अब मैं इसके बिल्कुल सेंटर में इसको यहाँ पे अटैच कर लूंगी तो यहाँ सेंटर में लेके आ गई मैं और फिर मुझे को दोबारा से धागा डालना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत कम धागा है तो मुझे हर पत्ती को इस तरीके से अटैच करना है कि मुझे किनारे किनारे से भी अटैच करना है बीच में से भी अटैच करना है ताकि मेरा फूल गिरे ना तो बच्चा पहनता है खींचता है तो फूल गिर सकता है तो इसलिए हम पक्का काम करेंगे पहले इस तरीके से तो हर पत्ती के अंदर ले जा रही हूँ मैं दोनों चारों तरफ घुमा के थोड़ा सा धागा और डाल लेती हूँ तो और पक्का कर दूँगी तो यहाँ अरे इतना भी यहाँ पे टाइट नहीं करना है ताकि बच्चे को चुभे ना सर पे तो ये हल्के हाथ से कर दिया मैंने देखो इस तरीके से अब मैं इस धागे को यहाँ पे फिनिश कर रही हूँ और दूसरा धागा डाल के फिर मैं इसको पूरा पक्का कर देती हूँ फिर दिखाती हूँ आगे तो हेयर बैंड तो मेरा तैयार हो गया बिल्कुल मैंने पक्का काम कर लिया ये चारों तरफ से पक्का कर लिया बस यहाँ पे एक थोड़ा सा धागा और लिपेट दूँगी और ये पूरा हो गया तो ये टोटल बन गया मेरा 200 300 तीन, तीन, तीन मतलब दो ग्राम में 300 ग्राम लगा लो थोड़ा कटफट में भी जाता है अब मेरे पास ये मोती पड़े हैं तो एक एक में फूल के बीच में भी लगा रही हूँ तो एक में मैंने लगा दिया और इसमें भी मैं इस फूल को थोड़ा सजा दूँगी तो वैसे दिखेगा तो नहीं अंदर की साइड को रहेगा पर फिर भी थोड़ा सा ज़रा लुक अच्छा आ जाता है इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको पक्का कर रही हूँ तो ये तीन सौ ग्राम लगा लो तीन सौ ग्राम में, में मेरा अच्छा सा फ्रॉक भी बन गया और उसमें हेयर बैंड और फुल भी बन गया तो थोड़ा बहुत कटफट में भी जाता है तो वैसे दो सौ पिचासी ग्राम में बनाए पर दस पंद्रह ग्राम लगा लो कि थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए हमारे पास ऐसे ये मैंने पक्का कर दिया यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा मेरा वीडियो मेरा बनाने का तरीका और थैंक यू लाइक शेयर जरूर करें सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको मेरा फ़्रॉक कैसा लगा और फूल के अंदर भी देखो मोती लगा लिया तो सुंदर लग रहा है तो आप भी इस तरीके से बना सकते हो और आपको कहीं पे नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक यू